बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से लर्न विद चैनल की अनोखी क्विज पार्ट 70 में। लेट्स प्ले जी की क्विज 70। फर्स्ट क्वेश्चन, राधा मोहन कप का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन ए क्रिकेट, ऑप्शन बी पोलो, ऑप्शन सी टेनिस या ऑप्शन डी फुटबॉल। आप चाहें तो स्क्रीन पॉज करके इसका आंसर सोच सकते हैं। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी पोलो। आपको बताना, खिलाड़ियों को लंबे समय से चलने वाले मैलेट का उपयोग करके विरोधी टीम के लक्ष्य में एक छोटी सफेद प्लास्टिक या लकड़ी की गेंद को चलाकर स्कोर किया जाता है। पोलो का पारंपरिक खेल 160 गज की दूरी पर 300 गज की दूरी पर एक बड़े घास के मैदान पर गति से खेला जाता है और प्रत्येक पोलो टीम में 4 सवार और उनकी माउंट होते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि आपको इससे काफ़ी नॉलेज मिलने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता है? ऑप्शन ए वित्त आयोग, ऑप्शन बी राजकीय भाषा आयोग, ऑप्शन सी योजना आयोग या ऑप्शन डी संघ लोक सेवा आयोग। आप चाहें तो स्क्रीन पॉज करके इसका आंसर सोच सकते हैं। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी प्लानिंग कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना B.R. अंबेडकर द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए स्वराज पार्टी समाज, ऑप्शन बी अखिल भारतीय अनुसूचित जाति परिषद, ऑप्शन सी स्वतंत्र श्रमिक दल या ऑप्शन डी समता पार्टी। आप चाहें तो स्क्रीन पॉज करके इसका आंसर सोच सकते हैं। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी इंडिपेंडेंट वर्कर पार्टी। इन सभी में से B.R. अंबेडकर द्वारा की गई स्थापना इंडिपेंडेंट वर्कर्स पार्टी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राफेल नडाल किस खेल से संबंधित हैं? ऑप्शन ए हॉकी, ऑप्शन बी टेनिस, ऑप्शन सी शतरंज या ऑप्शन डी गोल। आप चाहें तो स्क्रीन पॉज करके इसका आंसर पूछ सकते हैं। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी टेनिस। राफेल नडाल टेनिस खेल से संबंधित हैं। आपको बताना, राफेल नडाल पेरेरा एक स्पेनिश पेशेवर टेनिस खिलाड़ी हैं। वर्तमान में टेनिस में पेशेवर के एसोसिएशन द्वारा पुरुष एकल टेनिस में विश्व नंबर एक पर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार हैं? ऑप्शन ए भभूति, ऑप्शन बी शूद्रक, ऑप्शन सी कालिदास या ऑप्शन डी नागार्जुन। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी कालिदास। रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार कालिदास जी हैं। आपको बता दें, रघुवंश कालिदास रचित महाकाव्य है। इस महाकाव्य में 19 सर्गों में रघु के कुल में उत्पन्न 20 राजाओं का 21 प्रकार के छंदों का प्रयोग करते हुए वर्णन किया गया है। इसमें दिलीप, रघु, दशरथ, राम, कुश और अतिथि का विशेष वर्णन किया गया है। वे सभी समाज में आदर्श स्थापित करने में सफल हुए। राम का इसमें विशद वर्णन किया गया है। 19 में से 6 सर्ग उनसे ही संबंधित है। आपको अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिव समुद्र जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए कावेरी नदी, ऑप्शन बी नर्मदा नदी, ऑप्शन सी कृष्णा नदी या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आप चाहें तो स्क्रीन पॉज करके इसका आंसर सोच सकते हैं। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए कावेरी नदी। शिव समुद्र जलप्रपात यानी वाटरफॉल कावेरी नदी पर स्थित है। आपको बताना, शिव समुद्र फॉल्स कावेरी नदी पर है। जब नदी को डेक्कन पठार के चट्टानों और घाटियों के माध्यम से अपना रास्ता मिला और झरने के लिए बंद हो जाता है। शिव समुद्र द्वीप द्वीप नदी के जुड़वा झरने में विभाजित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है? ऑप्शन ए महेशेर मछली का, ऑप्शन बी एशियाई हाथी का, ऑप्शन सी चीता का या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी एशियन एलिफेंट। आपको बता दें, राष्ट्रीय उद्यान 3 अभयारण्यों चिल्ला, मोतीचूर और राजाजी का संयोजन है। इसकी सीमा उत्तराखंड के देहरादून और सहारनपुर जिलों के पौरी गढ़वाल क्षेत्र को घेरती है। नमक पश्चिमी गंगा और उत्तरी शुष्क पर्णपाती जंगलों का मिश्रण एक विदेशी वन जीवन के लिए प्राकृतिक आवास प्रदान करता है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश अर्धरात्रि के सूर्य का देश के उपनाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए नॉर्वे, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी जापान या ऑप्शन डी स्वीडन।
एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए नॉर्वे। आपको बता दें आर्कटिक सर्कल में कई राष्ट्र हैं जो आधी रात के सूर्य का अनुभव करते हैं। नॉर्वे ही मध्यरात्रि सूर्य की भूमि के रूप में जाना जाता है। नॉर्वे के उत्तरी हिस्सा में रहने वाले नॉर्वेजियन गर्मियों के दौरान मध्यरात्रि सूर्य का अनुभव लगभग 2 महीने तक करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन में इमेज में देख सकते हैं कि इस समय चंद्रमा भी आपको दिख रहा है और सूर्य की किरणें भी पड़ रही हैं। नॉर्वे के उत्तरी भाग आर्कटिक सर्कल के 66 डिग्री उत्तर से अधिक अक्षांश पर स्थित है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथक कहाँ का एक शास्त्रीय नृत्य है? ऑप्शन ए उत्तर भारत, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी केरल या ऑप्शन डी मणिपुर। आप चाहें तो स्क्रीन पॉज करके इसका आंसर सोच सकते हैं। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए नॉर्थ इंडिया। कथक नॉर्थ इंडिया का एक शास्त्रीय नृत्य है। आपको बता दें कथक डांस इंडियन क्लासिकल की आर्ट फॉर्म्स में से एक है। इसमें ज़्यादातर फोकस डांस मूव्स में यानी आंखों पर और फुट मूवमेंट्स पर किया जाता है। तो चलिए चलते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन की ओर। उस क्वेश्चन का जवाब आपको हर बार की तरह कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। फाइंड द ऑड नंबर्स लेटर्स फ्रॉम द गिविन अल्टरनेटिव्स। ऑप्शन ए स्विमिंग, ऑप्शन बी सेलिंग, ऑप्शन सी डिविंग या ऑप्शन डी ड्राइविंग। आपको इन सभी में से बताना है ऑड नंबर या ऑड लेटर या ऑड वर्ड कौन सा है जो कि इन सभी की प्रॉपर्टीज से मैच नहीं करता हो। क्विज खेलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं इस प्रकार की एक क्विज सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे खेलना तो लर्नवेट चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकन को जरूर दबाइए जिससे कि आपको हर नई वीडियोस के अपडेट्स तुरंत मिल सके। और लास्ट क्वेश्चन का जवाब हर बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको यह क्विज से कुछ जानकारी मिली हो और ये पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।